हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू दिस न्यू यूट्यूब वीडियो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत अमेजिंग ऑप्शन माइंग स्ट्रेटजी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आप लोग यूज कर सकते हो मैंने शेयर करी है एंड आई कैन से दिस हैंड्स डाउन ऐसी स्ट्रेटजी विद दिस एक्यूरेसी एंड दिस मच डेडिकेशन शायद ही किसी और ने यूट्यूब पर अपलोड करी होगी मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड यू एंजॉय दिस वीडियो पूरा एंड तक देखना थैंक यू सो मच विदाउट वेस्टिंग स्टार्टिंग ऑफ दी स्ट्रैटेजी तीन क्राइटेरिया मुझे आपको बताने हैं जो स्ट्रैटी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बगैर स्ट्रैटेजी आप यूज नहीं करोगे पहली चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे ऑन फाइव मिनट टाइम फ्रेम शुड बी शुड बी आईदर एन ओपन हाई कैंडल ओपन इक्वल्स टू वाई कैंडल आप सबको पता है क्या होती है जिसको कोई अपर विक नहीं होता है मार्केट ओपन होते ही फॉल करना स्टार्ट कर देता है और विक इज टू स्मॉल टू बी नोटिस्ड ऑल राइट ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि मार्केट में या तो विक ना बने या विक बने फर्स्ट कैंडल ऑफ फाइव मिनट टाइम फ्रेम ऑफ द डे इतनी छोटी हो कि आप उसको नोटिस ना कर पाओ बहुत छोटी विक होनी चाहिए वेरी स्मॉल विक मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा दूंगा किस टाइप की सेकेंड क्राइटेरिया है कि आपकी जो एंट्री है वो डे के फर्स्ट ट्वेंटी मिनट्स के अंदर अंदर आ जानी चाहिए पहली पांच मिनट की कैंडल छोड़ के तो कितनी देर हो गई है पहली पांच मिनट की कैंडल छोड़ के तो नाइन तक आपकी एंट्री आ जानी चाहिए ठीक है नाइन एम तक आपकी एंट्री आ जानी चाहिए सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कि आप लोग इसके अंदर स्टॉप <coughs> लॉस ट्रेलिंग करना आना चाहिए आपको यह बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है आपको आपको अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करना नहीं आता देन सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत आइडिया मैं इस वीडियो के अंदर दे दूंगा थर्ड एंट्री इज थर्ड रिक्वायरमेंट इज दैट आपको आना चाहिए हाउ टू ट्रेल योर एस ये तीन रिक्वायरमेंट्स आप लोग याद रखेंगे ओके नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट विद्रैटेजी की स्ट्रैटेजी क्या है इसके अंदर आपको यूज करने हैं सिर्फ एक सिर्फ दो टूल्स एक ही टूल है उसको हम दो तरीके से यूज करते हैं वो है फिब रिट्रेसमेंट एंड फिब एक्सटेंशन दोनों पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पे वैसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आई बटन पे क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख लो

ठीक है अभी तक तो कोई ओपन हाई कैंडल नहीं बनी है यह भी सेम फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे नहीं है ओके okay, यहां पर है नाउ ओवर हियर हाउ डू यू हैव टू यूज इट आपको क्या करना है पहली कैंडल ओपन हाई की जो बनी है उसका साइज एटलीस्ट इट शुड बी 100 पॉइंट्स और मोर देन दैट 100 पॉइंट से ज्यादा की कैंडल होनी चाहिए छोटी नहीं साठ पैसठ पॉइंट की कैंडल नहीं हंड्रेड पॉइंट से ज्यादा की हंड्रेड एंड फिफ्टी इतनी बड़ी है कैंडल होनी चाहिए आप अभी नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी के अंदर दूसरी चीज इसका जो लो होगा जो भी लो होगा आपको उसको मार्क कर लेना है then, है एंड देन आपको वेट करना कि मार्केट इसको इसको ब्रेक करे आप इसको एक इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी की तरह भी मान सकते हो बट इसमें हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं फिबोर फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन इसको बहुत अलग स्ट्रेटजी बना देता है तो यहां पर आपको इसके लो को मार्क कर लेना है अगर ये लो ब्रेक होता है तब आपकी एंट्री आएगी यहां पर ब्रेक नहीं हुआ तो हम लोग इसको छोड़ देंगे कंटिन्यू करते हैं कोई और एंट्री ढूंढते हैं परफेक्ट ब्यूटिफुल ओपन हाई की कैंडल बन गई अब आपको क्या करना है सबसे पहले इसका लो मार्क कर लिया लो मार्क करते ही आपको दो चीजें करनी है अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन है मतलब आपने अगर पेड ट्रेडिंग व्यू लिया हुआ है तो आपको क्या करना है आपको अपने ट्रेडिंग व्यू पे दो स्क्रीन खोल लेनी है यहां से इधर आपके पास टॉप लेफ्ट में टॉप राइट right में ऑप्शन आता है सेलेक्ट लेआउट उसमें ये दो स्क्रीन का लेआउट सेलेक्ट कर लो दो स्क्रीन का लेआउट आउट सेलेक्ट कर लो अगर नहीं है पेड तो दो टैब में ट्रेडिंग व्यू खोल लो अब क्या करना है सबसे पहले जैसे ये कैंडल बंद हो जाए आपको फटाफट से इसके हाई से लेकर इसके हाई से लेकर इसके लो तक कैंडल के ही आपको रिट्रेसमेंट को अप्लाई कर देना है ठीक है ये मैंने हाईएस्ट पॉइंट है ये मेरा लोएस्ट पॉइंट है और यहां पर एक लेवल आएगा फिफ्टी परसेंट रिट्रेसमेंट लेवल इसके जस्ट ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है यहां पर बीस पॉइंट ऊपर इसके स्टॉप लॉस प्लेस कर देना आप सिक्सटी तो वन और फिफ्टी के ऑलमोस्ट बीच में वो आएगा मोस्ट most, मोस्टली से पॉइंट ऊपर अब जब भी आपकी एंट्री एग्जीक्यूट होती है आपको याद रखना है कि आपका एस एल यहाँ पे प्लेस्ड है ठीक है अब टारगेट कैसे लगाएं सर टारगेट का कैसे पता लगेगा इसमें टारगेट आपको एक डिफरेंट तरीके से लगाना है यहां पर आपको सेकेंड टैब खोलनी पड़ेगी मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर लेकर आ जाता हूं आपको दूसरी स्क्रीन के ऊपर ठीक है आई जस्ट चेक वॉट वॉज द डेट ऑफ दैट अच्छा जस्ट गिवी वन मिनट गई दिस इज ट्वेंटी राइटर वुर या है अब आपको यहां पर लगाना है Fibonacci Extension. Fibonacci Extension का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है सिंपल है यार फिबोनाची एक्सटेंशन को फिबोनाची uh, रिट्रेसमेंट को उल्टा करके आप अप्लाई कर दो तो वो फिबोनाची एक्सटेंशन बन जाएगा हम लोगों ने वहां पर रिट्रेसमेंट को ऊपर से नीचे अप्लाई करा था यहां पर एक्सटेंशन को नीचे से ऊपर करेंगे ये नीचे अब आप देखोगे ये लेवल्स सारे मैंने आपको एक्सटेंशन के अंदर शेयर किए हुए हैं तो वीडियो पहले देख लो उससे ही समझ आएगा आपको ये ये, ये लेवल्स के आपके टारगेट रहेंगे और जैसे जैसे मार्केट एंड टारगेट्स को हिट करेगा आपको अपने एसएल को ट्रेल करते हुए जाना है तो यहां पर क्या था हम लोगों ने दो स्क्रीन पे ओपन करा एक पे एक्सटेंशन एक पे रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट को यूज करके हमने अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करा एक्सटेंशन को यूज करके हमने मल्टीपल टारगेट फाइंड आउट करे एंट्री क्या हुई हमारी अब यहां पर एंट्री का भाई ये हमारी एंट्री आई जैसे मार्केट ने इस लो को ब्रेक करके इस कैंडल के साथ क्लोजिंग दी यहां पर मैंने अपनी शॉर्ट पोजिशन को बना लिया ऑलराइट दिस इज द प्लेस वेर आई सेल यहां पर मैंने अपनी सेल पोजिशन को बना लिया है एंड एस सुन एज आई सेल ये मेरे टारगेट मेरे को मल्टीपल मिल गए हैं अब मेरा काम बहुत सिंपल है कि जैसे ही मार्केट इन एक भी टारगेट पर से एक भी लेवल से अगर कोई भी रिवर्सल का साइन शो करता है जैसे पंद्रह मिनट टाइम फ्रेम पर हैमर बनना या आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाना कोई भी ऐसा साइन मेरे को दिखता है तो मैं अपने प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट कर दूंगा नाउ सी मेरा रिजल्ट एंड में क्या रहता है नाउ ओवर हियर यू कैन सी मार्केट इज गिविंग अ ब्रेक डाउन यहां पर ब्रेक डाउन आया नीचे गया नीचे गया नीचे गया, गया सपोर्ट लिया अब यहां पर ये यह दो डोजी बना है मार्केट ने अब आपको क्या करना है सिंपल है डोजी का रूल आपको पता है इसका हाई इसका लो मार्क कर लिया

अगेन इट विल कम आपका ट्रेलिंग एस एल हिट हो गया तो आपने कितना प्रॉफिट बुक करा योर स्टॉप लॉस वॉर समेर स्टॉप लॉस वेर अराउंड आपका हंड्रेड पॉइंट का एंड आपने प्रॉफिट बुक करा ऑलमोस्ट यू कैन से 280 एट्टी पॉइंट का जस्ट डबल आपने यहां आप पर प्रॉफिट को बुक करा दिस वॉज दस्ट बैक टेस्टिंग यहां पर हम लोगों ने एक बार बैक टेस्टिंग कर ली है हम लोगों को आउट ऑफ वन मिल गया है कितना कितना दिखता है मार्केट के अंदर एक और ओपन हाई कैंडल बनी है अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है जैसी ओपन हाई की कैंडल मैंने देखी पहले पांच मिनट टाइम फ्रेम पर मेरे को यहां पर अप्लाई करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट ताकि मैं अपने पहले स्टॉप लॉस को समझ लू टारगेट तो फिर भी आप जब मार्केट मूव करेगा बाद में लगा सकते हो बट स्टॉप लॉस शुड बी द फर्स्ट थिंग तो यहां से यहां के बीच में मेरा स्टॉप लॉस कहां बन रहा है है समवेयर अराउंड हियर ये मैंने अपना SL प्लेस कर दिया अब मेरे को आ जाना है इस जगह पे यहां पर मैं अपना प्लेस करूंगा टारगेट तो वेयर विल बी माई टारगेट नाउ मेरे को नीचे की तरफ फिब एक्सटेंशन के लेवल्स मिल गए टिल दिस पॉइंट आई वॉज गुड जैसे ही ये ब्रेकआउट आता है मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है आई एग्जिट Again, I a good of हम लोग इसको कर देते हैं टू आउट ऑफ टू विच विल बी वेरी गुड फॉर अस स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ अगेन हम लोगों का टारगेट हिट हुआ है फिर से आते हैं हम लोग पीछे फिर से पीछे आते हैं हम लोग एंड देन ओवर हियर अगेन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी ओवर हियर यहां पर फिर से हम लोगों ने क्या देखा नेग्लेजेबल विक जैसा मैंने आप लोगों को बोला था या तो विक ना हो हो तो इतनी छोटी हो कि हम हमको ना दिखे या देखे या देखने लायक ही ना हो ऐसे केस में फिर से कैंडल इज वेरी बिग क्या करना है सबसे पहले आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई कर दिया ऐसा आपको पता चल गया ये रहा सर मेरा स्टॉप लॉस अब आपने इसको हटाया आपने फिबोनाची एक्सटेंशन अप्लाई करा एक्सटेंशन अप्लाई करते ही, आपके पास नीचे के टारगेट्स आ गए ट्रेलिंग आप करते जाओगे जैसे जैसे मार्केट टारगेट देता जाएगा आप अपने स्टॉप लॉस को उठा के कॉस्ट के पास कॉस्ट के पास कॉस्ट के पास लाते जाओगे दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस जैसे ही मार्केट एक लोअर हाई बनाता है यू आर गुड टू ट्रेल योर स्टॉप स्टॉप लॉस ओके दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड अगेन यहां पर मेरे को कितना टारगेट मिलता है सेकेंड कैंडल पे मेरी एंट्री आई फर्स्ट टारगेट फिफ्टी सेवन सिक्सटी का सेकेंड टारगेट हंड्रेड एंड एटी फाइव पॉइंट थर्ड टारगेट फोर हंड्रेड पॉइंट तीन ट्रेड देखे तीनों ट्रेड में हमारे अभी तक सक्सेस ही मिली है बहुत इजी स्ट्रैटेजी है यहां पर हो सकता है कभी कभी आपका रिस्क रिवॉर्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाए जिस दिन मार्केट स्टॉप लॉस देगा हो सकता है आपको वन एस टू वन का ही रिस्क रिवॉर्ड मिले बट जब मार्केट बड़ा प्रॉफिट देगा बड़ा टारगेट देगा तो 600 से लेकर के 1000 थाउजेंड पॉइंट तक आप इंट्रा में बुक कर पाओगे और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा आपके सामने अभी बैक टेस्टिंग कर रहा हूं मूविंग फॉरवर्ड गाइस ये हमारा थ्री बाय थ्री साथ चलता जाएगा हमारे एंड अगेन वेरी ब्यूटिफुल डे अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल डे मार्केट मेक्स एन ओपन हाई कैंडल वॉट यूवरी वन फटाफट से कमेंट सेक्शन में अभी लिखेंगे प्रोसीजर को ताकि याद हो जाए सबसे पहले अप्लाई करना है आपने अप्लाई करा आपको पता लग गया रिमूव करना है, ले ले है सबसे पहले पता लग गया, तो एंट्री ले सकते हो आप बिकॉज आपको ये पता, इसके ऊपर जाता है तो मेरी गलती साबित हो जाएगी नाउ <coughs> ओवर ली मार्केट कम्स डाउन एक हायर लोअर हाई बनाता है यहाँ पे आपने हमने स्टॉप लॉस को हल्का सा ट्रेल करके लगा दिया ये लेवल्स के आसपास

बुक करें गाइज मजा आ रहा है वीडियो देखकर तो क्विकली हिट द लाइक बटन एंड कमेंट सेक्शन में फायर ओपी कुछ भी लिखो बट पता लगना चाहिए मेरे को दैट यू आर लाइकिंग द स्ट्रेटजी हम लोगों ने यहां पर बुक करें एंट्री से ओके फोर बाय फोर हम लोग कर देंगे अभी तक हमारी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी आ रही है हंड्रेड परसेंट जो आगे जाकर नहीं आएगी मैं ऑनेस्टली बता देता हूं हंड्रेड परसेंट नहीं है इसकी एक्यूरेसी कम है थोड़ी सी बट हाँ आपको दिखा रहा हूं वेन इट विल गिव यू गुड प्रॉफिट इट इट विल बी द बेस्ट देश एवर यहां पे आप देख सकते हो यहां पे हमारा एसेल हिट हुआ कैसे सर ब्रेकडाउन आया लो को ब्रेक कर दिया मार्केट ने बट यहां पर अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं मेरा फिब रिट्रेसमेंट तो यहां पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया राइट यहां पे मेरा एसेल हिट हो गया कितने पॉइंट्स का ऑलमोस्ट पॉइंट्स का और जहां पर हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं हम प्रॉफिट कर रहे हैं सिक्स हंड्रेड पॉइंट थ्री हंड्रेड पॉइंट टू हंड्रेड पॉइंट मिनिमम हंड्रेड पॉइंट का तो कर ही रहे हैं

गॉन नॉट एन एंट्री नॉट अ ट्रेड देन अगेन दिस कैंडल बहुत छोटी कैंडल है वी कैन नॉट टेक अ ट्रेड ऑन दिस और देखते हैं आगे जाते जाते हम लोगों को अगर कोई अच्छी एंट्री मिलती है तो हम लोग उसको भी बैक टेस्टिंग में इंक्लूड करेंगे ओके यस अगेन हियर वी गेट एन अनदर एंट्री यहां पर हम लोग एंट्री देखते हैं दिस बिकम्स आर एस एल यहां पर ओके okay, सॉरी ये तो मैंने गलत अप्लाई कर दिया यहां पर मेरे को मेरा एस एल दिखता है एट दिस लेवल दिस इज गोइंग टू बी माइ स्टॉप लॉस राइट यहां पर मेरा स्टॉप लॉस लॉसोर्स हिट हुआ है बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस मैंने आपको बताया था टेक एन एग्जिट वेन मार्केट गिव एग्जिट सिग्नल मार्केट नीचे आता है पहली कैंडल आप देख सकते हो दिस ट्राई टू गो अप फिर भी अप्रेक डाउन देता है आप यहां पर एंट्री लेते हो मार्केट नीचे से ऊपर आकर एक हैमर बना देता है एंड इस कैंडल को ब्रेक कर देता है दिस इज योर एग्जिट सिग्नल आप इतने बड़े एस का वेट नहीं करोगे आई 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 एम नो दैट दैट स्टॉप लॉस इज द बेस्ट पॉइंट टू एग्जिट बट वेन द मार्केट इज गिविंग यू क्लियर साइन ऑफ रिवर्सल यू हैव टू एग्जिट एंड बुक योर लॉस तो यहां पर हमको लॉस काफी छोटा हुआ क्योंकि हम लोगों ने अपने ब्रेन को यूज करा अदरवाइज कंसिडरिंग दिस ऑल्सो हमारा एस एल तो हिट हुआ ही है तो टू ट्रेड में profit हुआ है, two में हम लोगों को लॉस हुआ है. Let's move on further, guys. इन दिनों मैं जब बैक टेस्ट कर रहा था तो ये टाइम पर काफी हम लोगों को एक साथ लूजिंग स्ट्रीक आई थी बट देन उसके बाद जब मार्केट ने हमारी स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू करा प्रॉफिट देना तो प्रॉफिट भी काफी ज्यादा तगड़ा हमको देखने को मिला था अगेन ओवर हिस्सर आप लोगों को एंट्री आती है पे आपका एस एल मार्केट हिट कर देता है सो आउट ऑफ सेवन टारगेट बुक्ट से आगे चलते हैं आगे चलते हैं हम लोग बैक टेस्टिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड भी हम लोगों को यहाँ पर मिलेंगी ओके सो अनदर ओवर हीयर बिग कैंडल स्मॉल विक ज्यादा बड़ी विक नहीं है ऑलमोस्ट ट्वेंटी थर्टी पॉइंट की विक है फिफ्टी पॉइंट्स की विक है चलेगा यहां पर आप लोग एंट्री ले सकते हो नॉट अ वेरी बिग विक यू कैन टेक एन एंट्री ओवर हियर अप्लाई करते हैं फिफ्स स्ट्रेटजी को सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे यहां पर फिबोनाची को दिस बिकम्स स्टॉप लॉस अब हम लोग यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन को दिस बिकम्स आर टारगेट एंड देन यू कैन सी द मार्केट गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एज आई सेड वेन दिस स्ट्रैटी विल गिव यू प्रॉफिट आप लोग गिन नहीं पाओगे कितना बड़ा टारगेट ये टारगेट्रैटेजी आपको दे जाएगी रिस्क रिवॉर्ड बिकम्स अ बिग गेम ओवर हियर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी इन अ गुड प्रॉफिट यहां से आप लोग बुक करते हो ऑलमोस्ट जब तक आपका ट्रेलिंग यहां पर भी हिट तो हुआ नहीं है बट लेट्स आप यहां पर एग्जिट भी कर देते हो अगर सो यू हैव बुक्ड सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन पॉइंट ओके तो आउट ऑफ एट ट्रेड्स वी हैव फाइव टारगेट्स एंड वी हैव थ्री लूजिंग ट्रेड्स ओके लेट्स मूव ऑन इसको साथ लेकर चलना है हमको हाउ कैन वी फॉरगेट दैट देन अगेन गाइज ओवर हियर एंट्री नहीं आई ये लो था ब्रेक नहीं हुआ मार्केट ने ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट दिया ऑल राइट ब्यूटिफुल मे बी दिसरी नाइस ओके ओवरियर अप्लाई करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी को इस वाली कैंडल पे यू कैन सी स्मॉल वेक बिग बॉडी यू कैन सी अमेजिंग स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट आता है यहां पे दिस इज योर स्टॉप लॉस दिस इज द टारगेट दैट यू गेट यहां से आपको एक रिवर्सल का प्रॉपर साइन शो होता है जिसको हम कहते हैं इनवर्स हैमर पैटर्न

Target as well, okay. So this becomes our stop loss somewhere around here. This becomes our stop loss. This is where the market gives a breakdown. Now we cannot take this trade. Why? Because yahan par hamara breakdown aaya hai after 9:40. मैंने आपको बोला था आपको सिर्फ तब trade लेना है जब market आपको entry देगा before 9:40. तो हम लोग अपने rule को abide करेंगे and start इस, इस वाली entry को consider नहीं करेंगे. All right? मूविंग ऑन फर्दर ओवर हियर अगेन 940 पर एग्जैक्ट है एंट्री नहीं लेंगे क्यों नहीं लेंगे 940 के पहले हम लोगों को एंट्री चाहिए 940 उसके बाद नॉट एक्सेप्टेबल अगेन नो एंट्रीज नो एंट्रीज नो एंट्रीज नो एंट्रीज दिस इज अ डोजी नो एंट्री लेट्स मूव ऑन आगे बढ़ते चलो आगे बढ़ते चलो नो एंट्रीज नो एंट्रीज अगेन यहाँ पर लो ब्रेक नहीं हुआ एंट्री नहीं बनी ओके परफेक्ट ब्यूटिफुल 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 अगेन ओवर हियर वी टेक अ ट्रेड फिबोनाची रिट्रेसमेंट सबसे पहले मैंने अप्लाई करा दिस बिकम्स माई स्टॉप लॉस लेवल राइट यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखे दिस बिकम्स माई स्टॉप लॉस लेवल के जस्ट ऊपर फॉर माई टारगेन आई स्टार्ट ट्रेलिंग माई स्टॉप लॉस अंटिल एंडलेस आई एम

मिल गई है विच इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन लाइव मार्केट में गाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी ऐसा नहीं है सिर्फ बैक टेस्टिंग में इनफैक्ट इन लाइव मार्केट वैल्यू और ट्रेडिंग आपको इस्ट्रैटी में इतनी अच्छी एक्यूरेसी मिल पाएगी सो मेक श्योर यू यूज दिस स्ट्रैटेजी आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा पसंद आएगी एंड यस गाइज वन मोर थिंग दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू जो आपको याद रखनी है कि मेक श्योर sure ट द सब्सक्राइब बटन टू दिस चैनल बारह सो पचास मैंने आपसे प्रॉमिस करा था मैं एक ऑप्शन माइंग स्ट्रेटजी दूंगा हियर इज द स्ट्रेटजी प्लीज हिट द लाइक बटन 1500 सब्सक्राइबर्स का अगला टारगेट रखते हैं जहां पर मैं आप लोगों के साथ और ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग के लिए करूंगा ऑल्सो गाइज ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है सब्सक्राइब फॉलो दिस इंस्टाग्राम पेज अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो हर दिन यहां पर मैं अपनी स्टोरीज अपलोड करके आपके साथ इंटरैक्ट करता हूं इस वीडियो पे चाहते हैं ताकि मुझे पता चले आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी पसंद आई आप लोग इसको प्यार दे रहे हो एंड मैं भी मोटिवेटेड रहूं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोज बनाने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इजराशर साइनिंग ऑफ टेक केयर